हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसके अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियां होती हैं, 12 जोड़े दिमाग से निकलती हैं और 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, इन्हीं के बारे में डिटेल में बताऊंगी। जैसा कि दोस्तों, नर्वस सिस्टम जो होता है यानी तंत्रिका तंत्र, वो तीन प्रकार का होता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जो 12 जोड़े दिमाग से और 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी CNS, PNS, ANS। जैसा कि दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का वर्णन मैं पार्ट 1 व 2 में कर चुकी हूँ। यह तंत्रिका तंत्र का पार्ट 3 वीडियो है, जिसके बारे में हम जानेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के दिए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए जानते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसा कि दोस्तों, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार की नाड़ियां होती हैं, एक संवेदी नाड़ियां यानी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और एक होता है गतिज यानी मोटर न्यूरॉन्स यानी मोटर नाड़ियां होती हैं। संवेदी यानी सेंसरी नाड़ियों को एफ्रिएंट न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, जो क्या करती हैं, जो सेंसरी नाड़ी होती हैं यानी जो संवेदी नाड़ी होती हैं, वो सूचनाओं को विभिन्न अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ले जाता है। जैसे कि न्यूरॉन्स, ए न्यूरॉन्स जो होते हैं आंतरिक अंगों में, त्वचा में, रक्त लिम्फ में, वाहिकाओं में, स्पाइनल संवेदी अंगों में जैसे कि स्पर्श, गंध, स्वाद, दृष्टि तथा श्रवण तथा पेशीय टेंडनों में उत्पन्न होती है। और इन अंगों से हमारे जो संदेश होता है उसको हमारे मस्तिष्क के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती है, मस्तिष्क तक ले जाती है। और दूसरा होता है गतिज यानी कि मोटर न्यूरॉन यानी इफ्रेंट न्यूरॉन। ये क्या करता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रसारित सूचनाओं को शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचालित करता है। जब हमारा CNS यानी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम संवेदी खंड से प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही करता है, तब वह हमारे शरीर को प्राप्त सूचनाओं को प्रत्युत्तर को तय करता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लक्ष्य वाले क्षेत्र जैसे कि पेशियों के लिए आदेश प्राप्त करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, संवेदी न्यूरॉन्स होता है, वह हमारे अंगों से सूचनाओं को, संदेशों को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन उसका निष्कर्ष निकालता है। उस निष्कर्ष को मोटर न्यूरॉन्स जो होता है, जो गतिज न्यूरॉन्स होता है इफ्रेंट, वह हमारे अंगों तक ले जाती है, जिसके अनुसार हमारा अंग संचालित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे अंगों से सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाती है और मोटर न्यूरॉन्स हमारे सूचनाओं को ब्रेन से हमारे अंगों यानी पेशियों तक ले जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े नाड़ियां दिमाग यानी कि दिमाग के कॉर्निथल नाड़ी से आती हैं और 31 जोड़े नाड़ियां स्पाइनल नाड़ी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कितनी जोड़े नाड़ियां निकलती हैं, 43 जोड़े, और कितने दिमाग के कॉर्निथल नाड़ी से निकलती हैं, तो 12 जोड़े, और कितनी जोड़े स्पाइनल नाड़ी होती है, 31 जोड़े, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। सबसे पहले बात करेंगे 12 जोड़े दिमाग की नाड़ियां जो कॉर्निथल नाड़ी होती है, ठीक है, जो दिमाग के कॉर्निथल से निकलती है, जिसे कॉर्निथल नाड़ी भी
कहा जाता है। इसमें 12 जोड़े नाड़ियां होती हैं, जिसमें से पहला है ऑल्फैक्टरी जो सूंघने से संबंधित होता है, दूसरा है ऑप्टिक नर्व जो आंख में प्रकाश का ज्ञान कराता है, तीसरा है ऑकुलोमोटर जो आंख में नेत्र गोलकों के संबंध होता है, चौथा है ट्रॉक्लियर जो कर्ण से संवेदना का संवहन करता है, पांचवा है ट्राइजेमिनल जो जीभ के अग्रभाग में होता है, और छठवां है एब्ड्यूसेंस जो नेत्र में होता है, सातवां फेशियल नर्व जो हमारे चेहरे में होता है, आठवां ऑडिटरी नर्व यानी जिसे कॉक्लियर भी बोलते हैं या वेस्टिब्यूलो भी बोलते हैं, यह आंतरिक कान में संतुलन का कार्य करता है, नौवां है ग्लासोफेरिंजियल नर्व जो जीभ के ग्रसनी यानी पश्च भाग में होता है जाता है, एंड दसवां है वेगस जो हृदय व फेफड़ों में होता है। दोस्तों वेगस तंत्रिका ही, वेगस नर्व ही हमारे हृदय और फेफड़ों को कंट्रोल करता है और जिससे उत्तेजना उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होता है जिससे हमारे हृदय और फेफड़े, हृदय धड़कता है और फेफड़े फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, जो वेगस नर्व है वो सबसे बड़ा नर्व होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ग्यारहवां है स्पाइनल एक्सेसरी जो मस्तिष्क व स्वर यंत्र से संबंधित होता है। बारहवां है हाइपोग्लॉसल जो जीभ के पेशियों में होता है। तो ये हुई 12 जोड़े नाड़ियां हमारे दिमाग के कार्निथल से निकलती हैं। ठीक है, तो दिमाग से निकलती हैं जिसे कार्निथल नाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पांचवां, नौवां और बारहवां ये जीभ में नाड़ियां जाती हैं। ठीक है, दसवां जो है बेगस वो हृदय और फेफड़ों में। ये कुछ कुछ पॉइंट आपको याद में रखना है, याद रखना है। जैसे कि दोस्तों ये जो 12 जोड़ी दिमाग की कॉर्निथल नाड़ी होती है, इसमें से कुछ नाड़ियां सेंसरी होती हैं, यानी कि कुछ संवेदी होती हैं और कुछ प्रेरक यानी मोटर न्यूरॉन्स होती है, यानी मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। तो इसमें से पहला, दूसरा, आठवां जो नाड़ी होती है वे संवेदी यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, एंड तीसरा, चौथा, छठवां, ग्यारहवां, बारहवां जो है वो प्रेरक यानी कि मोटर न्यूरॉन्स होता है, एंड जो पांचवां, सातवां, नौवां, दसवां जो है वो मिक्स न्यूरॉन्स होता है, यानी संवेदी और प्रेरक दोनों का काम करता है, यानी सेंसरी या मोटर दोनों प्रकार का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करेंगे हम 31 जोड़े स्पाइनल नाड़ी की जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और यह स्पाइनल नाड़ी जो है पेशियों में सीधे ही पहुंची होती है। स्पाइनल कॉर्ड अपनी पूरी लंबाई में पहले खंड से ही तंत्रिकाओं के जोड़े निकालती है, इसलिए मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो 31 जोड़े होती है कैसे कैसे, जैसे कि ग्रीवा तंत्रिका यानी जो सर्वाइकल नर्व होता है, ग्रीवा तंत्रिका है जो सर, वो 8 जोड़े में निकलती है, एंड जो वक्षीय तंत्रिका यानी कि थोरेसिक नर्व होता है वह 12 जोड़े में निकलती है, एंड तीसरा है कटी तंत्रिकाएं यानी कि जो लंबर नर्व होता है वो 5 जोड़े में निकलती हैं जो कटी क्षेत्र में जाती हैं, चौथा है सेक्रम नर्व, ठीक है, सेक्रम तंत्रिका यानी कि सेक्रल नर्व, यह 5 जोड़े होती हैं जो सेक्रल यानी कमर के नीचे वाले हिस्सों में जाती हैं, पांचवा है अनुत्तरिक तंत्रिका यानी कि कॉक्सिजियल नर्व, ये 1 जोड़े होती है। ठीक है, इस प्रकार कुल 31 जोड़े तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और 12 जोड़े तंत्रिकाएं हमारे दिमाग से निकलती हैं जिसे कॉर्निथल नाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 जोड़े नाड़ियां होती हैं, जिसमें से 12 जोड़े हमारे दिमाग से निकलती हैं जिसे कॉर्निथल नाड़ी भी बोला जाता है, और 31 जोड़े स्पाइनल नाड़ी निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, ये आपको ध्यान में रखना है।
जैसे कि दोस्तों प्रत्येक स्पाइनल नाड़ी के लिए संवेदी यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है वो गैंग्लिया के पृष्ठ मूल से स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करता है एंड मोटर न्यूरॉन्स जो होता है वह उदर मूल से गुजरते हुए छूटते हैं। ए पेशीय गतिविधियों के नियंत्रण श्रृंखला की एक कड़ी है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शनों पर समाप्त होती है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर यानी जो न्यूरॉन और हमारे मांसपेशी की जुड़ाव होता है उसी को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, तो जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वह पेशी गतिविधियों को नियंत्रण की श्रृंखला की एक कड़ी होती है जो कहाँ पे समाप्त होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, यानी कि जहाँ पे मांसपेशी और तंत्रिकाओं का मिलान होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने जाना कि परिधि तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है और इसमें कितनी जोड़े नाड़ियां पाई जाती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जो भी आपको डाउट होगा दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं एंड दोस्तों जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगी। बस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।